80 के दशक के पॉपुलर एक्टर धर्मेंद्र जब भी पर्दे पर आते हैं तो दर्शकों के दिलों पर छा जाते हैं। वो भले ही 87 साल के हैं मगर रोमांटिक रोल करने से आज भी पीछे नहीं रहते। हाल में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उनका शबाना आजमी के साथ लिपलॉक सिंह काफी वायरल हुआ था। धर्मेंद्र जितने रियल लाइफ में रोमांटिक हैं, उतने ही रोमांटिक रियल लाइफ में भी हैं। शादीशुदा होने के बाद भी धर्मेंद्र की आशिक मिजाजी में कोई कमी नहीं आई। हेमा मालिनी से शादी के लिए उन्होंने धर्म बदल लिया था। दुनिया जानती है कि हेमा मालिनी संग शादी को लेकर उनकी शिद्दत किस हद तक थी, मगर बावजूद इसके एक बार धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से शादी के बाद भी अपने से 26 साल छोटी एक्ट्रेस से प्यार हो गया था। तो क्या था पूरा किस्सा और इस पर क्या थी हेमा मालिनी जी की प्रतिक्रिया, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। बेहद रोमांटिक मिजाज कहलाने वाले धर्मेंद्र ने अपनी लाइफ में दो शादियां की हैं। उन्होंने पहली शादी प्रकाश कौर से की थी जो बॉबी देओल और सनी देओल की माँ है। वहीं दूसरी शादी हेमा मालिनी से की थी जिनसे उनकी दो बेटियां ईशा और अहाना देओल हैं। हेमा मालिनी से उनकी शादी और प्यार के चर्चे तो आम रहे। लगभग सभी जानते होंगे कि एक्टर ने उनसे शादी के लिए अपना धन तक बदल लिया था क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे। लेकिन बावजूद इसके धर्मेंद्र अपने साथ काम करने वाली एक दूसरी एक्ट्रेस पर दिल हार बैठे थे। वो एक्ट्रेस थी अनीता राज जो उम्र में धर्मेंद्र से 26 साल छोटी थी। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था और इस दौरान ही वो एक दूसरे के नज़दीक आ गए। जानकार बताते हैं कि धर्मेंद्र के साथ काम करते हुए अनीता राज का भी दिल उन पर आ गया था। वो भी उन्हें अंदर ही अंदर पसंद करने लगी। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि धर्मेंद्र डायरेक्टर से अनीता को कास्ट किए जाने को लेकर सिफारिश तक करने लगे थे। इसके बाद जब इसकी भनक हेमा जी तक पहुंची तभी ये जाकर मामला शांत हुआ। ड्रीम गर्ल को जैसे ही इसकी भनक लगी तो कहा जाता है कि उन्होंने अनीता राज को धर्मेंद्र से दूर रहने की कड़ी वार्निंग दे दी। इसके बाद अनीता ने उनके साथ में कोई फिल्म नहीं की। उधर अनीता का नाम एक्टर के साथ जुड़ने की वजह से बदनाम हो गया था तो उन्होंने दूरी बना ली और टीवी इंडस्ट्री का रुख ले लिया। फिल्मों और धर्मेंद्र से दूरी बनाने के बाद अनीता राज ने माया, तुम्हारी पाखी, एक था राजा एक थी रानी, ईना मीना डीका जैसे कई पॉपुलर शोज में काम किया। बाद में एक्ट्रेस ने 1986 में सुनील हिंगरानी से शादी कर ली। तो अपने दिलफेक अंदाज के लिए जाने जाने वाले धर्मेंद्र की ये थी तीसरे प्यार की कहानी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ और ऐसी तमाम और एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।